कहानी 36 यीशु रा रूप बदलना। एकसा दिहाड़ी यीशु अपने चीज चेले पतरस याकूब होर योना आपू संगा नी और त्या प्रार्थना कर दे एकी उचती जोता बे नी। जेबा यीशु प्रार्थना कर दो लागो थी तेबा तेवरा चेरो सूजा जे चमक दो लागो तेवरे जिकड़े प्रियाशे जे शेते होई इतरे शेते होई कि धरती पेंदे कोई भी मनुष्य अपने जिकड़े कोई नहीं चमकाई सकता। तेबा मूसा और एलिया भविष्यवाणी करने आले प्रकट होई ए मनुष्य ऐसा पृथ्वी में 100 साल पहले रौंदा थी ए यीशु री मौती रे बारे में गल्ला कर दे लागे दे थी जो यरूशलेम शहर में होने आली थी। जेबा मूसा और एलिया यीशु संगे गल्ला करते लागे तेबा पत्र से यीशु बे बोलू हमारा अखे रोना ठीक सा हमें चीन मंडप बढ़ाने एक ताब है और एक मूसा बे और एक एलिया बे पर पतरस नहीं जानता थी किसा किजा बोल दो लागो दो आसा। जेबा पतरस बोल दो लागो थी तेबा एक चमका आलो बादल त्या पेंदे आओ त्योकि त्या बादला म्या का एक छेड़ सुनी कि यो मेरो प्यारे शोरू सा जासू का हाऊ बहु खुश आसा तमे सबे यूरी सुना त्या चीन चेले डोरी और नीटे जमीना में पड़ी। तेबा यीशु त्या छुई और बोलू डोरा नाई खड़े उठा। जेबा त्या चौ तरफे हेरू तेबा त्या तखे यीशु रे सिवाय कोई नाई हेरू। यीशु होर त्या रे चीन चेले तेसा जोता का वापिस उन्दे इंदे लागे थी तेबा यीशु त्या बे बोलू जेबरे तेनी मनसा रो शोरू कि हाँ मुए म्या का जीवंदो नाई होए तेबरे तेनी जो तमे हेरू तेता कासी बे नाई खोजे।